नीट 2023 में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स, आपके पास अब 6 मंथ्स बचे हुए हैं और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए जिससे आप 6 महीने में बहुत बेहतरीन तैयारी करें और बहुत अच्छा स्कोर कर सकें ताकि आप टॉप मेडिकल कॉलेज में एंट्री पा सकें। तो बच्चों, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा क्योंकि काफ़ी टाइम बीत भी चुका है, 6 महीने बचे हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की होती है कि उसके सिलेबस को जानिए, सिलेबस में है क्या, बेसिकली कि हमें पढ़ना क्या है। सो फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, राइट क्योंकि सिलेबस में कभी कभी चेंजेस भी होते हैं, लास्ट ईयर दिस ईयर कैन बी सम चेंजेस, राइट। तो टॉपिक्स क्या है उसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद देखो, टॉपिक्स बहुत सारे एग्जाम्स के सेम हो सकते हैं, जैसे जेईई के, नीट के, मगर क्वेश्चन का पैटर्न और लेवल भी मैटर करता है। टाइम ड्यूरेशन एग्जाम में कितना मिलेगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी। इसीलिए सिलेबस को जानने के बाद आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या है, क्वेश्चन किस डेप्थ से पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है, राइट। इसके बाद आप जो नीट के बच्चे होते हैं उनके लिए एनसीईआरटी जो है वो लगभग इंटायर सिलेबस है। एनसीईआरटी अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे से कर लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ सकते हो आप, तो आप यू कैन इवन ट्राई दैट, राइट। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से याद है तो आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद, ये करने के बाद आप पीआईक्यू सॉल्व करो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन सैंपल पेपर देखो, आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आप टेस्ट दिया करो, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो, या अगर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तो आप होल सिलेबस का टेस्ट दोगे। अभी जैसे जैसे आप चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, हर चैप्टर का टेस्ट दो, सेल्फ एनालिसिस करो और अपना एक नोट्स बनाओ कहाँ पे क्या डाउट रह गया, ताकि व्हाइल यू आर रिवाइजिंग दैट चैप्टर फॉर सेकेंड टाइम आपको पता हो कि आपको कहाँ कहाँ डाउट्स आए थे। इस तरीके से पढ़ के बच्चे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आप चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।